इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लाइबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होती है एंड इसके हेल्प से किस तरह हम लोग एनर्जी को स्टोर करते हैं फ्लाइबल एनर्जी स्टोरेज एक टाइप की एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होती है जिसके हेल्प से एनर्जी को रोटेशन के फॉर्म में और वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं फॉर इट्स फर्दर यूज़ रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में रिकवर करते हैं एंड डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसका यूटिलाइज करते हैं मोस्ट फ्लाइबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को एक्सलरेट एंड डी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं एडवांस्ड फ्लाइबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में फ्लाइबल रोटर जो होती है उसको बनाने के लिए हाई स्ट्रेंथ कार्बन फाइबर कंपोजिट्स का यूज करते हैं जो कि मैग्नेटिक बियरिंग के साथ सस्पेंडेड रहता है एंड अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंट आर पी एम स्पीड से रोटेट करता है फ्लाईविल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो डिफरेंट मेन एलिमेंट से मिलकर कंसिस्ट होता है मैग्नेटिक बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग रोटर साफ्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग मैग्नेटिक फोर्स विदाउट मैकेनिकल फ्रिक्शन इसके हेल्प से फ्लाईविल रोटर डायनेमिकली कंट्रोल होता है वैक्यूम हाउसिंग फ्लाइबल रोटर एंड मेन कंपोनेंट्स को वैक्यूम हाउसिंग में प्लेस्ड करते हैं इट प्रोटेक्ट्स द कंपोनेंट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज नेक्स्ट एलिमेंट है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप के हेल्प से हाउसिंग में प्रेजेंट एयर को सक करते हैं एंड वैक्यूम क्रिएट करते हैं टू रिड्यूस द एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन चैम्बर में अगर एयर प्रजेंट रहेगा तो ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ रोटर एयर रेजिस्टेंस होकर होगा इसलिए वैक्यूम पंप के हेल्प से एयर को सक करते हैं फ्लाइवल रोटर रोटर को बनाने के लिए हाई स्ट्रेंथ कार्बन फाइबर कंपोजिट का यूज करते हैं जो रोटर है वो हैवी होता है इट हैज़ ग्रेटर मास एंड हाई स्ट्रेंथ वेट इसका हैवी हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि एनरसिया के कारण ज़्यादा टाइम तक रोटेट करते रहे मोटर एंड जनरेटर रोटर को मैकेनिकल रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए मोटर का यूज करते हैं मोटर इलेक्ट्रिक सप्लाई के हेल्प से ऑपरेट होती है एंड फ्लाईविल रोटर को रोटेशन प्रोवाइड करती है एंड जब मोटर का इनपुट सप्लाई ऑफ करते हैं तो जो मोटर है वो जनरेटर की तरह बिहेव करने लगता है नेक्स्ट एलिमेंट है इसका साफ्ट हैवी रोटर साफ्ट मैग्नेटिक बियरिंग एंड मोटर जनरेटर साफ्ट के साथ अटैच रहता है इसको मोटर जनरेटर इसलिए बोलते हैं ताकि ये मोटर एंड जनरेटर दोनों की तरह बिहेव करता है जब हम लोग इसमें सप्लाई देंगे तो वहाँ पे ये मोटर की तरह भी करेगा एंड जब सप्लाई ऑफ कर देंगे तो जनरेटर की तरह भी करने लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं एंड मोटर ऑपरेट होती है इन केस ऑफ डीसी मोटर हम लोग रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं और उसके हेल्प से डी मोटर को डी करंट प्रोवाइड करते हैं मोटर साफ्ट के साथ फ्लाईवल रोटर कपल्ड रहता है इसलिए रोटर रोटेट करने लगता है जब रोटर का स्पीड अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड आर पी एम पहुँचता है तो मोटर का जो इनपुट सप्लाई है उसको ऑफ कर देते हैं जब मोटर का इनपुट सप्लाई ऑफ करते हैं तो जो मोटर है वो जनरेटर के तरह बिहेव करने लगता है एंड मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में रिकवर होती है फ्लाइबल रोटर का जो रोटेशन है वो काफ़ी टाइम तक रहता है ड्यू टू इट्स एनरसिया ऑफ हैवी रोटर सो so, उस टाइम एज वेल एज मोटर का साफ्ट रोटेट करता है एंड मोटर के इनपुट टर्मिनल पर इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होती है मतलब मोटर का सप्लाई जब ऑफ करते हैं तो जो मोटर है वो जनरेटर के तरह बिहेव करने लगता है एंड उस इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी बैंक को चार्ज कर सकते हैं बाय यूजिंग रेक्टिफायर एंड एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं अदरवाइज जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फुलफिल करने के लिए यूटिलाइज करते हैं ओल्ड फ्लाइबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में स्टील रोटर का यूज करते थे जो कि मैकेनिकल बियरिंग के साथ अटैच रहता था एंड एडवांस्ड फ्लाइबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है उसमें रोटर को बनाने के लिए कार्बन फाइबर कंपोजिट्स का यूज करते हैं दैट अ हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील एंड कैन स्टोर मच मोर एनर्जी फॉर द सेम मास देर आर डिफरेंट एडवांटेजेज़ ऑफ फ्लाइबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इट हैज़ हाई पावर डेंसिटी इट हैज़ हाई एनर्जी डेंसिटी इस सिस्टम का लाइफ टाइम वेरी लार्ज होता है जो कि चार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल पर डिपेंड रहता है इसमें पीरियोडिक मैंटेनेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है फ्लाइबल सिस्टम वैक्यूम हाउसिंग में ऑपरेट होता है इसलिए टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होता है फ्लाइबल सिस्टम रिलाइबल एंड सेफ होता है इस सिस्टम से कोई पॉल्यूशन होकर नहीं होता है इस सिस्टम के हेल्प से रिन्यूएबल एनर्जी को मोर इफिशेंट बनाया जा सकता है देर आर डिफरेंट एडवांटेज ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लाइक लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी ग्रिड के साथ एनर्जी को स्टोर करने में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में होता है एंड इट इज़ रिलायबल इन अपकमिंग ईयर्स एनर्जी को हम लोग डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के हेल्प से जेनरेट करते हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है इंटीग्रेट डाइवर्स रिसोर्सेज एनर्जी स्टोरेज कैन स्मूथ आउट द डिलीवरी ऑफ रिलायबल और इंटरमीडियंट रिसोर्सेज सच एज विंड एंड सोलर बाय स्टोरिंग एक्सेस एनर्जी वेन द विंड ब्लोइंग एंड सन इज शाइनिंग मतलब एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के हेल्प से लोड जो वेरी करता है उसको हम लोग स्मूथ बना सकते हैं रिड्यूज इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के हेल्प से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट इमिशन सिंपली एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के हेल्प से एनर्जी को हम लोग स्टोर करते हैं फॉर इट्स लेटर यूज वैन डिमांड ऑफ एनर्जी इनक्रीजेज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डिफरेंट टाइप्स का होता है मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज का डिफरेंट टाइप्स होता है लाइक पम्पड हाइड्रो स्टोरेज ग्रेविटी स्टोरेज टेक्नोलॉजी कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज फ्लाईविल एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होता है लाइक लीड एसिड बैटरी लिथियम आयन बैटरी फ्लो बैटरी हाई टेम्परेचर बैटरी जिंक बैटरीज थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सेंसिबल मोल्टेन साल्ट लेटेंट आइस स्टोरेज थर्मोकेमिकल स्टोरेज दीज आर द टाइप्स ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज सुपर कैपेसिटर और डबल लेयर कैपेसिटर एनर्जी स्टोरेज सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम हाइड्रोजन बेस्ड स्टोरेज देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड स्टोरेज दैट इज पावर टू पावर फ्यूल सेल एंड पावर टू गैस सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें